हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप किसी मंदिर में या फिर घरों में जब कीर्तन में बजाते हो आप लोग ढोलक, तो होता क्या कि आपकी ढोलक ना सुनाई नहीं देती। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत बेकार सी लग रही है, मजा नहीं आ रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोग के पास कोई एक थपकी वाला पैटर्न नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग जब भी थपकी वाला पैटर्न सीखने जाते हो तो वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बज ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सबसे जो सिंपल से सिंपल थपकी वाले पैटर्न हो सकते हैं और कीर्तन भजन में बहुत ज्यादा जमाने वाले, रंग जमाने वाले ठेके होते हैं, वो मैं लेके आ चुका हूं, थपकी वाले पैटर्न। तो दोस्तों, वो थपकी वाले पैटर्न सीखने से पहले सबसे पहले आपको थपकी बजानी आनी चाहिए। मैंने बहुत बार सिखाया भी है, मैं दो सेकंड के अंदर मैं दो तीन बार मैं सिखा देता हूं कि थपकी एक्चुअल में चलता कैसा है, फिर थपकी वाले पैटर्न बताता हूं मैं। पहले तो हाथ का पोजीशन देख लीजिए, चारों उंगलियां एक साथ बजाएंगे, बजाने वाले लोग हैं चारों से भी, लेकिन जो मैं खुद बजाता हूं वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हाथ ऐसे रखिए, दो भागों में ऐसे बांटिए, अलग अलग हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा कर्व कीजिए और फर्स्ट फिंगर देखिए, फर्स्ट फिंगर पे थोड़ी सी कर्व होगी, ऐसे हाथ में रखना है और इसको जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत से आप लोग को यहाँ पे हिट करना है। देखिए मेरा हाथ चेक कीजिए, देखिए मोमेंटम देखिए, ऐसे ये देखिए, ये स्लो मोशन में दिखा रहा, देखिए ठीक है। तीन उंगली का ही सारा खेल है, बजा बजा के आता है, किसी में कोई साइंटिफिक नहीं है, बजाते बजाते आ जाते हैं, देखिए ऐसे ठीक है, हो जाए। अब देखिए, अब उस ठेके की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं ठेका मैं सीधे सिखाऊंगा तो आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि दोनों तरफ हाथ चलते हैं तो एक साथ नहीं पकड़ पाओगे। पहले चाटी साइड, जब वो ठेका बजता है तो चाटी साइड में क्या हाथ चल रहा है वो मैं पहले सिखा दूं, फिर बेस का बता दूंगा तो आप जल्दी पकड़ लोगे। देखिए करना क्या, चाटी साइड में कुछ नहीं है, ये जो नीचे की तीन उंगली है इन तीन उंगलियों को गैप दीजिए, ठीक है। जब ऐसा गैप दे देंगे ऐसा साउंड आना चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसे मारोगे तो साउंड आएगा नहीं आप लोगों से। क्या करना है, जो नीचे की थ्री फिंगर है ना, ऐसे गैप देने के बाद इसको आगे ले जाइए, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे मारते मारते, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको ऐसे पीछे पीछे ले आइए, पीछे पीछे ले आएंगे तो देखिए साउंड आना शुरू हो जाए। पहले यहाँ पे जोर जोर से मारिए, अब देखिए जहां पे सबसे बढ़िया साउंड आएगी वहां पे हिट कीजिए, ठीक है। साउंड आ गया, नहीं आता तो आप नॉर्मल भी आए चाहे ना हाथ चलाइए पहले, ठीक है। तो एक, फिर दो पे थपकी मारिए जैसे अभी मैंने सिखाया था, दो कर लेंगे, देखिए एक दो, अब उसके बाद तीन, पहली उंगली से मैंने हो गया काम। देखिए एक दो तीन, सबसे जरूरी थपकी वाले पैटर्न में से एक है ये। अगर ये समझ में आ रहा है ना तो आप ठेका हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। देखिए एक दो थपकी, फिर ये तीन, अब इसको फास्ट करते जाइए, एक दो तीन, एक दो तीन, मेरे साथ एक दो तीन करते रहिए, एक दो तीन, कहीं भी हाथ पे घुटने पर के चाहे पैर पे जहां पे करके अपना हाथ चलाइए मेरे जैसे। देखिए एक दो तीन, 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 ठीक है। सिंपल चाटी साइड का काम हो गया आपका। अब देखिए जब हम बेस जोड़ेंगे तो कुछ बोल बन के निकलेगा, ठीक है। तो बोल के हिसाब से भी और एक दो तीन सात चार से भी सीखेंगे। देखिए छह मात्रा की गिनती है खाली, छह गिनतियां गिनोगे आपका ठेका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जब आप यहां पे एक मार रहे थे ना, यहां पे बेस भी मार दीजिए, एक बजा लेंगे, देखिए नीचे की तीन उंगली और ये बहुत सुंदर ठेका निकल के आएगा, गानों के अंदर बड़ा जबरदस्त लगेगा। देखिए एक, फिर दो पे आप जानते हैं, दो पे थपकी, फिर तीन पहली उंगली से पहली लाइन कंप्लीट। दो लाइनों का बोल होता है, तीन मात्रा का होगा, तीन मात्रा और बताऊंगा। एक दो तीन, तीन पे नीचे की पहली उंगली, देखिए एक दो तीन, तीन मात्रा का बोल हो गया। अब दूसरी लाइन पे आइए, दूसरी लाइन में क्या करना है बस ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन तो एक जैसी है, चार फिर पांच, ये पांच पे ध्यान दीजिएगा, पांच पे थपकी और बेस दोनों एक साथ लगेगा, पांच फिर ये छह पहली उंगली से। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक बार और मैं ध्यान से समझाता हूँ। बेस साइड में कोई ज्यादा काम नहीं है, खुला खुला हाथ बज रहा है, ठीक है। तो ये खुला वाला हाथ मैं इधर दिखाता हूँ और चाटी वाला हाथ आप लोग मेरे साथ साथ देखिए। देखिए एक दो, फिर ये तीन, ठीक है, फिर देखेंगे, फिर चार पांच थपकी और बेस, फिर ये ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, एक बार और ध्यान से देखिए, बिल्कुल पास लाके मैं दिखाता हूं। एक, फिर ये दो पे थपकी मारना, जोरदार थपकी आनी चाहिए, मेरे हाथ देखिए, फिर ये तीन पहली उंगली से, ठीक है। देखिए एक दो तीन, फिर इसके बाद चार पांच, फिर ये हो गया। एक बार और देखेंगे, एक दो तीन, फिर दूसरी लाइन, चार पांच,
दोनों बेस फिर हो गया काम। अब ये जब बजेगा ना तो आप लोग के होश उड़ जाने वाले, कितना सुंदर लगता है। ठीक है देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, 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 एक दो तीन चार पांच छह। गाने में सुनाता हूँ आप लोग को, तारी बिजली से पतले हमारे दिया आप लोग को, बड़ा ही सुंदर सा ठेका है और थोड़ा सा मेहनताना वाला ठेका है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर ये नहीं हो पा रहे आप लोग से दूसरे नंबर वाले ठेके पे ये जरूर हो जाएगा आप लोग। अब ये ठेका कैसे बजाना है, बड़ा ही सुंदर ठेका है। चाटी साइड पे आप क्या कर रहे हैं देखिए, कोई ज्यादा चीज टेंशन की बात नहीं है। पहले नंबर पे थपकी मार रही, ध्यान से देखिए, एक ठीक है, फिर से देखिए, ये दूसरे नंबर का ठेका, पहला हो चुका है ठीक है, तो रिलेट मत कीजिएगा पहले वाले से। एक, अब दो पे क्या बजाना, दो पे पहली उंगली मारनी है, दो। अब क्या करना है, तीन पे क्या बजाना है, तीन पे भी पहली उंगली मारनी, तीन हो गया। देखिए एक दो तीन, काम हो गया। लेकिन ये डिफरेंट ताल है, ये आप लोग सोचोगे ना कहरवा वालों में का ताल, ये दूसरा टाइप का ताल है, जब बजेगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, बच्चा भी बजा लेगा इसको, दो तीन दो तीन दो तीन। बस बात इतनी से थपकी आपकी अच्छे से आ रही है, थपकी में आपका पूरी ताकत झोंक देना है, ऐसा समझिए। शुरू शुरू के दो चार महीने पूरी ताकत झोंक झोंक के बजाएंगे ना, तो पूरा हाथ का जो आपकी खाल है ना, पूरी भैंसे की खाल की तरह मोटी हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी खूबी है कि किसी भी शरीर का भाग आप ज्यादा यूज करोगे ना, वो पावरफुल होने लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक दो तीन, दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन। ठीक है, अब जब बेस के साथ बजेगा तो आप लोग देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। एक पे बेस बजेगा ठीक है, जब बोल बनेगा पहली लाइन है, एक दो तीन, काम हो गया। धी ता ता बोलेंगे इसे, ठीक है, धी ता ता, मतलब थपकी एंड बेस, एक दो तीन, पहली लाइन कंप्लीट है। अब दूसरी लाइन पे आएंगे, तीन हो गया, फिर चार आएगा, तो चार पे थपकी और बेस दोनों, चार, फिर पांच, पांच पे पहली उंगली और बेस दोनों एक साथ आएंगे ठीक है, फिर छह पे पहली उंगली लेंगे। एक बार और ध्यान से समझेंगे, बेस वाला हाथ में इधर दिखा रहा हूं, खुला ही बज रहा है, एक दो तीन, फिर उसके बाद चार पांच छह, इतना सा चीज है। एक बार और बिल्कुल पास से देखिए, एक दो तीन, फिर चार पांच छह, हो गया। एक बार और देखेंगे लास्ट टाइम, एक दो तीन, फिर चार पांच छह। अब ये जब बजेगा तो देखिए कितना सुंदर लगेगा, बजने के बाद ये अच्छा लगता है। एक दो तीन चार, चार पे बेस भी बजेगा, चार पांच छह, एक बार और धीरे धीरे, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन, आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये भी बहुत कठिन लग रहा है गुरुजी, इससे भी कोई सिंपल ताल बताइए। जो बिल्कुल, जिनको बिल्कुल नहीं आता है ढोलक, उनके लिए मैं ताल बताने जा रहा हूं, बड़ा ही सिंपल ताल है और थपकी वाला भी है। अब देखिए क्या करना है, चाटी साइड पे आएंगे और चाटी साइड पे करना क्या है कि यहां पे जो थपकी मारनी है पहले नंबर पे, और क्या करना है इसके बाद, दो, बस काम कंप्लीट। इधर साइड में बस यही दो बजेगा, एक दो, एक दो, यही मात्र इतनी सी चीज बजेगी, आप लोग विश्वास नहीं करें ये कैसी ताल हो सकती है। ऐसी ताल है, बहुत सुंदर लगेगी ताल जब ये बजेगी। और इस ताल की खासियत है फास्ट बहुत जाती है, मतलब इसको आप हद से ज्यादा फास्ट भी कर सकते हो। देखिए करना कैसे है, इस साइड पे हमको क्या मारना है, एक मारना है, फिर इधर साइड पे दो पे थपकी मार देनी है, दो कर लेंगे, देखिए एक, फिर यहाँ पे दो,
फिर यहाँ पे पहली लाइन कंप्लीट। अब इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है, एक दो फिर यहाँ पे पहली उंगली से मार देना है। एक बार और देख लीजिए, एक पे खुला बेस मारना है, दो पे थपकी मारनी है, तीन पे पहली उंगली मारनी है। अब दूसरी लाइन, चार पे खुला बेस मारना है, पांच पे थपकी और बेस दोनों एक साथ लगेगा, पांच और छह पे अकेला। काम हो गया, फिर से देखेंगे, एक दो तीन फिर चार पांच, हो गया। एक बार और देखेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब बताइए, इससे भी सिंपल कुछ चीज है। अब देखिए मेरे साथ साथ आप प्रयास करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, 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 एक दो तीन चार पांच छह। गाना पे देखिए, तारे बिजली से आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब कुछ लोग और भी कैटेगरी के आते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सर जी बज तो रहा है लेकिन थपकी वाले ताल सुनने में बड़े गंदे लग रहे हैं, हमारे हाथ से थपकी निकल ही नहीं रही है। तो कोई ऐसा ताल बताइए जो बिना थपकी का भी हो और बाद में जब हम बजाते बजाते रहे तो बाद में थपकी में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी ताल बता रहा हूं जो बिना थपकी की है और उसे आप बजाते रहेंगे ना, फिर बाद में धीरे धीरे आपका हाथ तैयार हो जाएगा, फिर वो थपकी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए वो ताल कैसा है, देखिए करना क्या है, नॉर्मल सी ताल है। देखिए नीचे की थ्री फिंगर लगानी है और बेस मारना है, ठीक है, एक साथ दी, मतलब एक एक फिर दो फिर ये तीन, ठीक है। अब ये थपकी वाली भी बनेगी बाद में, वो कैसे बनेगी मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक दो तीन, समझ में आया, एक पे नीचे की तीन फिंगर और बेस मारना है, एक फिर ये दो फिर ये तीन। अब फिर उसके बाद क्या करना है, चार, तो चार, चार पे नीचे की थ्री फिंगर एंड ओपन बेस, चार फिर पांच, पांच चार भी ऐसा ही और पांच भी ऐसा ही है, फिर छह पे पहली उंगली मारनी, ठीक है, चार पांच छह, एक दो तीन फिर चार पांच छह। ये एक से बढ़कर दो है, मतलब एक ठेका सीखे दूसरे का फायदा मिल जाएगा आपको, एक दो तीन चार पांच छह। देखिए एक दो तीन फिर चार पांच छह, आ गया ना। अब इसको देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, 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 ठीक है। अभी आप देखिए कन्वर्ट कैसे हो गए, चाटी वाला हाथ देखिए कैसे चल रहा है, एक दो तीन ऐसे करके चल रहा है, एक दो तीन मतलब नीचे दो बार बज रहा है। तो आपको क्या करना है, एक पे तो हल्का सा मारना है और दो पे इसको बढ़ा के थपकी बना देना है, ठीक है, और तीन पे पहली उंगली, वैसे देखो एक दो तीन, एक दो तीन, एक मतलब थपकी वाली भी है और बिना थपकी वाली भी, एक अच्छी लगेगी, ठीक है। पहले विदाउट थपकी वाला सीखे, फिर उसके बाद इसका जो मैंने अभी बताया उसको ट्राई कीजिएगा, थपकी वाले भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज एक कॉमेंट भी जरूर कर दीजिए।